वक्तव्य जो है हम आपको दे दें। यहां पर चूरू से जहां पर नगर परिषद की पायल सैनी सभापति पद पर विजयी हुई है। बता दें कांग्रेस की पायल सैनी को 42 मत यहां पर मिले हैं, बीजेपी की निर्मला सैनी को 18 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी यहां पर की है और इसके बाद कल उपसभापति का जो चुनाव है वो यहां पर होना है, यानी कि चूरू में जो जीत है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नगर परिषद में पायल सैनी ने जीत यहां पर दर्ज कर ली है, सभापति पद पर विजयी हुई है। कांग्रेस की पायल सैनी को 42 वोट यहां पर मिले हैं तो वहीं बीजेपी की निर्मला सैनी को 18 वोट हासिल हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से जमकर यहां पर जो जश्न है वो मनाया गया, यानी कि शुरुआत जो यहां पर है वो हो चुकी है। अविनाश हमारे साथ लगातार यहां पर जो है बने हुए हैं। अविनाश, कम से कम चुरू में खाता जो है वो कांग्रेस के खाते का खुलता हुआ दिख रहा है।